पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। सैकड़ों की तादाद में किसान धरना स्थल पर समर्थन देने के लिए पहुंचे। प्रतला विधानसभा के पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया सैकड़ों लोगों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि फिलहाल किसान अपनी खेती बाड़ी के कामों में जुटा हुआ है। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा जो आदेश देगा, हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शन करने को तैयार है। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते और MSP पर कानून नहीं बनता, किसानों का प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और कांग्रेस भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो भीड़ कम नहीं है, किसानों को काम भी करना है। 3 महीने से लगे हुए हैं, फसल सिर पर है, तो वही अपना किसान का काम भी करता है, खेतों में पानी भी लगाना है। 3 महीने से ठंड में भी जो सड़कों पे लगा रहा है, आज तक सरकार चेत नहीं रही, सरकार के कान पर जू ही नहीं रेंग रही। केवल किसान यही तो चाहता है भाई, MSP खुद देश के प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कह रहे हैं, MSP थी, है और रहेगी, लेकिन जो 3 अध्यादेश सरकार लाई है उनमें कहीं भी MSP का जिक्र ही नहीं है। किसान यही चाहते हैं भाई, MSP का गारंटी का कानून बने। अगर उससे कम बिकता है तो भाई गवर्नमेंट खरीदे और महंगा कोई भी खरीदे। देखिए, हमारा जो आंदोलन है ये आज लगभग 88वें दिन में प्रवेश कर गया है और इस आंदोलन ने विभिन्न चरण दिए हैं। जब भी कोई चरण आता विशेष, उस पर ही हम, जैसे किसी विद्यार्थी का परीक्षा में पता लगता है कि पास है या फेल है, जब भी कोई हमारे विशेष आंदोलन होता है जिस दिन, उस दिन हमारे यहाँ की तमाम इलाके की जनता, किसान और मजदूर अपने उस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। आपने देखा है 7 जनवरी को हमने KGP पे किस प्रकार से हजारों ट्रैक्टरों की रैली की थी। उसके बाद हमने 26 जनवरी को यहाँ से असाब्दी तक हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान बहुत जोश और उल्लास के साथ गया। इसी प्रकार 6 फरवरी को हमने पूरे देश में जब रास्ता रोको के आह्वान था देश का, उस पर यहाँ करीब 7-8 हज़ार व्यक्ति हमारे साथ थे। और इसी प्रकार हमने अभी 18 तारीख को जब रेल रोकी है तो वहाँ भी लगभग 10 हज़ार के आसपास हमारे पास किसान और मजदूर थे। तो हमारा आंदोलन बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है और अब फसल का काम शुरू हो गया है। हमने किसानों से ये कह दिया है कि भाई जिस पे फसल का काम हो, फसल का काम करे, और जिस पे काम कम है या जिसकी फसल अभी नहीं आई वो आए। तो हमने चक्र बना रखा लोगों का कि 1000 आदमी आ जाएंगे, 1000 कल आएंगे, 1000 परसों आएंगे। इस प्रकार से सारे किसान हमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं।